हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल जोली फराशा। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत से होगी, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सब लोगों के लिए। और दिवाली वाले दिन बहुत काम होता है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ी साफ़ सफाई चल रही थी और ये बेडशीट वगैरह बिछा दिए थे, डेकोरेशन बाकी रही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हुआ हमारा, कैसे सेलिब्रेट की हमने दिवाली। तो यहाँ से शुरू करते हैं डेकोरेशन करना। और मैं इस रूम में कारपेट वगैरह बिछा रही हूँ, बेडशीट सही करूँगी। और बिछाई तो पहले से हुए थी लेकिन थोड़ी सी ख़राब कर दी थी बच्चों ने, और आड़े टेढ़े पड़े हुए कुशन या फिर ख़राब की हुई बेडशीट मुझे बहुत गंदी लगती है, मुझे इरिटेशन होने लग जाता है। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा ये साफ़ करके और उसके बाद में मैंने कारपेट वगैरह बिछा दिया। और उसके बाद में यहाँ पे हम डेकोरेशन शुरू करते हैं फूलों के साथ में। और डेकोरेशन के साथ साथ मैंने रंगोली भी बनाई थी, जो कि ऐसी बनी थी, बताना ज़रूर कैसी बनी हुई है। और रंगोली बनाने के बाद में मैं यहाँ पे वापस से फूलों की माला बना रही हूँ, यू भी मेरी हेल्प कर रहा है क्योंकि माला से और भी डेकोरेशन करनी थी हमें। उसके बाद में यहाँ पे मेरे हस्बैंड लंच कर रहे थे और मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी, और यहाँ पे मम्मी ने कर दी है पूजा शुरू। और दिवाली जो होती है ना, मेन दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ 51 दिए जलते हैं, तो मम्मी उसी की तैयारियाँ कर रही थी। और बनी आके बैठ गया था, वो दादी की हेल्प करा रहा था, पता नहीं इस धुएँ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे मेरे और वो मम्मी की हेल्प कराने आ गए थे, उसको साइड में कर दिया बनी को। अब यहाँ से पूजा शुरू होगी माता रानी लक्ष्मी की, और यहाँ पूजा पाठ चल रहे थे मम्मी की। बहुत लंबी पूजा चलती है, दिवाली की पूजा होती है जो हमारे यहाँ पे ना, बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है और पूरे विधि विधान के साथ में मम्मी करती हैं। और यहाँ दिए जला दिए थे, उसके बाद में जो तिलक लगाया था, रक्षा सूत्र बांधा था सभी के, और मैं बाहर बैठी हुई थी मंदिर के। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे, यू भी आ गया था और उसकी भी धागा बांधा था रक्षा सूत्र, उसकी भी टीका वगैरह किया था। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से जब हम अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारे बच्चों को भी इस इन चीज़ों की जानकारी होती है, वो क्योंकि त्यौहार हमारी जड़ हैं और हमें जड़ों से अपने जुड़े रहना चाहिए और हमें त्यौहार अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने चाहिए, और जिससे कि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि क्या हुआ था। अब यहाँ पे मम्मी कहानी कहने लग गई थी लक्ष्मी माता की। घर आकर बेटी बाप ने कहो कि वायलिन मैंने जीवन को तो दियो है, बाप कहो कि चलो चले तो जा पर घर में सामू करके जाइए ने, वो वायलिन के जीवन में गई। लक्ष्मी जी साल दुसाला ओडन दिया, मोर रुपया परखंड दिया और सोना की चौकी पर सोना को थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जब वह पाछा आने लगी तो लक्ष्मी जी को पल्लव पकड़ ली और बोली कि मैं भाईली मैं भी तेरे जीवन आऊंगी। वह बोली कि अच्छा आ जाइयो घर आकर के उनमणी होकर बैठ गई। बाप पूछो कि लक्ष्मी जी का तो जीवन क्या आई है और उनमणी होकर क्यों बैठी है। बेटी बोली कि भाईली का बाप जी लक्ष्मी जी बोली है कि मैं भी तेरे जीवन आऊंगी। बातों मैंने इतनी चीजा से जिमाया, आपन करना तो कुछ भी कौन है, आपा कहना जिमाऊंगा। बाप कहो कि आपने। और उसके बाद में हम मंदिर जा रहे थे और मंदिर में दिए रखने होते हैं, ये हमारा घर है और हम मंदिर जा रहे थे दिए रखने के लिए। और ये रास्ते की मैं आपको सजावट दिखाती हुई जा रही हूँ, जो कि हमारे घरों के आसपास लोगों ने करा रखी थी अपने घरों में, और काफ़ी अच्छा लगा था। बहुत अच्छी सजावट कर रखी थी लोगों ने अपने हिसाब से, सभी करते हैं, दिवाली का तो त्यौहार है ही बहुत बड़ा, सब लोग करते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। यहाँ पे दिए रखने लग गए थे, ये माता शीतला है और उनका मंदिर है, और ये वाला वही मंदिर है जो मम्मी आई थी ना चार धाम की यात्रा पे, तो मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे, ये वही मंदिर है। लेकिन उस टाइम पे पट बंद थे और आज खुले हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको दर्शन करवा दूँ लक्ष्मी नारायण जी के। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और भी भगवान के मंदिर हैं, जैसे कि राम परिवार है, राधा कृष्ण का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है इसी में, और ये शिव परिवार है, काफ़ी अच्छा और बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ पे दिए रख दिए थे अच्छे, और यहाँ से अपने घर पर वापस आ गए थे।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन की, मैंने डेकोरेशन कैसे की थी। आप लोग बताना ज़रूर कैसे की थी ना मैंने डेकोरेशन, अच्छी की है, बुरी की है, ख़राब की है। तो ये यहाँ से मैंने डेकोरेशन शुरू की थी। बाहर है ये हमारा लॉबी है, उसके बाद में मंदिर है ये, यहाँ पे मैंने ये रंगोली बनाई थी। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने स्टेयर्स को भी सजाया था, और रेलिंग को सॉरी, और स्टेयर्स पे मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे इस तरह से, और स्टेंसिल्स थे उनकी हेल्प से मैंने बनाए थे ये लक्ष्मी जी के पैर। और उसके बाद में मंदिर है, और ये हमारा है ड्राइंग रूम, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया था। जो भी आया था ना सबने तारीफ़ की थी, पर मुझे पता नहीं कैसा सजा था, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा था। और यहाँ पे ये सारा सब कुछ अच्छे तरीके से सजा दिया था, और यहाँ पे ये मैंने बाहर रंगोली बनाई थी, और मेन गेट पे था, मम्मी बैठ खड़ी हुई है, यहाँ पे बच्चे पटाखे चला रहे थे ना, यूवी और बनी थे, तो बस वहाँ पर वो बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी सॉरी, वो भी चला रही थी फुलझड़ी। और उसके बाद में यहाँ पे यूवी ने इतनी मस्ती करी, इतने पटाखे चलाए, इसने इतना शौक है पटाखे चलाने का, डर ही लगता था कहीं जल ना जाए हाथ में, लेकिन नहीं माना ये बद लड़का। और ये हमारा घर था, कितना सुंदर लग रहा था, टचवुड नज़र ना लगे। और यहाँ पे पटाखे चला के भागा है, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता लड़के को, और देखने वाले डर जाते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं डरता है लड़का। क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ पूरी, बना रही हूँ अभी हलवा, बना रही हूँ मटर की सब्जी बन चुकी है, सुबह की खीर रखी है, सुबह की आलू मटर की सब्जी भी रखी हुई है जो दोपहर में बनाई थी, और मिठाइयाँ है, नमकीन है, रायता है, शराब। अब आप लोग खाना खाइए, ओके। कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है। अम्मू कैंडल लाइट डिनर हो रहा है। अब पूजा वगैरह से फ्री होने के बाद में हम थोड़ा सा शहर की तरफ चले गए थे, क्योंकि हमने सुना था वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है, तो हम बस वही देखने के लिए गए थे कि कैसी लाइटिंग हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग गए हुए थे लाइटिंग देखने के लिए। और वहाँ जाके पता लगा कि ये लेज़र शो हो रहा था, लेज़र लाइटिंग हो रही थी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, बच्चे थे, लेडीज़ थी, और इस लाइटिंग को देखने के लिए पूरा अलवर आ गया था, कैसी लाइटिंग हो रही है। मैं यही कह रही थी कितनी भीड़ लगी हुई है इस लाइटिंग को देखने के लिए। ठीक थी, ठीक ठाक थी, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, और बहुत भीड़ थी, मतलब एक तरीके से जाम लग गया था वहाँ पे, बहुत सारी गाड़ी थी, बहुत सारे लोग थे। और ये आप भी देख लीजिए कैसी लाइटिंग थी, और इसको देखने के लिए पूरा अलवर आ गया था। और इस लाइटिंग को देखने के साथ ही हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे थे, और बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, गाड़ी भी नहीं निकलने दे रहे थे लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यही भीड़ को, यही लाइटिंग को देखने के लिए सब लोग आ रहे थे, हम भी गए थे वैसे देखने के लिए इस लाइटिंग को ही। और उसके बाद में हम घर की तरफ चल दिए थे, और तो ज़्यादा कुछ था नहीं मार्केट में, ना तो लाइटिंग थी और कुछ ज़्यादा खास, और ना ही कुछ और था, तो बस वहाँ से हम वापस आ गए थे। ये पटाखे चल रहे थे, मुझे ना इस तरह के ये पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता ना क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली आतिशबाजी। तो आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।